सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्टिव्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आसुभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल टुडे स्पोर्टिव्स पे। दोस्तों, जब बात करने जा रहे हैं कि आईआरएस ऑफिसर आप कैसे बन सकते हैं, कैसे आप उसके अंदर करियर जो है अपना बना सकते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप आईआरएस ऑफिसर आखिरकार होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, सिविल सेवा की जो भी सम्मानित जो भी पद होते हैं, जैसे IAS, IPS और IFS के बाद जो है IRS का पद माना जाता है। इसके बाद दोस्तों बताना चाहूँगा कि अधिकारी के रूप में प्रशासन और नीति निर्माण, प्रत्यक्ष जो आय होती है कॉरपोरेट धन होता है, और अप्रत्यक्ष कर होते हैं जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीमा शुल्क होते हैं। करों की पूरी जानकारी इसके अंदर रखनी होती है, ठीक है, जो भी कर होते हैं जैसे टैक्सेस होते हैं उनकी जानकारी पूरी रखनी होती है। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग के अंतर्गत जो है काम वगैरह करते हैं, ठीक है। यदि आप अगर आईआरएस बनना चाहते हैं तो आपको क्या है कि इसके बारे में पूरी नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात कर लेते हैं कि आईआरएस जो है डिपार्टमेंट है, विभाग है, वो क्या होता है। आईआरएस विभाग सरकार का ऐसा एक विभाग होता है जिसको राजस्व सेवा विभाग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इसे अंग्रेजी में संक्षिप्त आईआरएस क्या कहें, तो फुल फॉर्म इसकी इंडियन रेवेन्यू सर्विस होती है, ठीक है। अब इसके अंदर योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, ये तो आपको पता होनी चाहिए। तो वो जान लेते हैं कि शैक्षणिक योग्यता इसकी जो है वो आईआरएस पद के लिए, ठीक है, जो भी कैंडिडेट, ठीक है, उसको कोई भी मान्यता प्राप्त जो भी यूनिवर्सिटी है उससे क्या कि स्नातक या समकक्ष होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और स्नातक के अंतिम वर्ष के अंदर जो है वो इस पद के लिए आवेदन वही कर सकता है। अब इसके अंदर जो आयु होती है उसकी सीमा क्या रहती है, तो जो भी कैंडिडेट है उसकी आयु 21 से लेकर 30 वर्ष बीच की होनी चाहिए। जो जो भी आरक्षित श्रेणी है उनके लिए जो भी सरकार के द्वारा नियमानुसार जो एज के अंदर छूट दी जाती है वो इसी के अंदर भी दी जाती है। अब इसके अंदर क्या है कि चरण जान लेते हैं कैसे इसका एग्जाम वगैरह क्या होता है, कैसे इसका रहता है। सबसे पहले दोस्तों आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है जो कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा आवेदन पत्र खरीद सकते हैं, ठीक है। उसको आप भर के आप उसके ऊपर जो भी पता होता है उसके ऊपर आप उसको सेंड करना होता है। इसके बाद जैसे ही आप फॉर्म वगैरह अपना जो फिल करके भेज देते हैं तो आपको जो है जो सेकेंड नंबर पर आता है कि जो भी कैंडिडेट होता है उसको मई या जून महीने में जो भी भारतीय सिविल सेवा जो है पहली प्राथमिक परीक्षा होती है उसके लिए बुला लिया जाता है। CSAT प्रश्न पत्र का प्रारूप कुछ इस प्रकार से होता है। पेपर के मार्क्स में आप जान लीजिए कि उसमें क्या क्या रहता है। तो पहला होता है सामान्य ज्ञान का, ठीक है, 200 प्रश्न होंगे। समय इसका 120 मिनट आपको मिलते हैं। समोज और तार्किक तर्क होते हैं, 200 प्रश्न होते हैं और 120 मिनट आपको इसके अंदर भी मिलते हैं। अब जैसे ही आप जो ये पहला एग्जाम वगैरह ये आप जैसे ही कैंडिडेट जो है अच्छे से सफलतापूर्वक उसको परीक्षा जो है पास कर लेता है, उसको क्या है कि मुख्य परीक्षा के लिए फिर से बुलाया जाता है जो कि लगभग अक्टूबर महीने में आयोजित की जाती है। इसके अंदर क्या है कि एक निबंध प्रकार का भारतीय भाषा क्वालिफिकेशन पेपर होता है जो कि 300 अंकों का होता है, एक अंग्रेजी योग्यता पेपर होता है 300 अंक का, एक सामान्य निबंध होता है 200 अंक का, दो सामान्य अध्ययन होते हैं 300 अंक प्रत्येक के होते हैं, ठीक है, और चार वैकल्पिक प्रश्न होते हैं वो भी 300 अंक प्रत्येक के होते हैं। तो इस तरह से होता है। और इसके बाद दोस्तों जो है फोर्थ जो इसका सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, फोर्थ सिलेक्शन के अंदर क्या है कि ये लास्ट चरण होता है। इसके अंदर क्या है कि इसके अंतर्गत जो भी है उसको इंटरव्यू के लिए, यानी कि दोस्तों साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। उसके जो मानसिक क्षमता है उसकी देखी जाती है, उसका स्वभाव कैसा है वो देखा जाता है, निर्णय कैसे लेता है, शीघ्र निर्णय में क्षमता का आंकलन करने में कैसा है उसका है, और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर आप सफलता प्राप्त करने के बाद आपको क्या है कि उसकी अंतिम सूची निर्धारित की जाती है। उसके बाद दोस्तों उसके अंदर क्या है कि लगभग 500 आईआरएस अधिकारियों का चयन किया जाता है, ठीक है, और जो भी कैंडिडेट है चयन होने के उपरांत उनको 3 महीने के अंदर अंदर उनको जो है प्रशिक्षण प्रदान यानी कि ट्रेनिंग वगैरह दे दी जाती है, ठीक है। अब जान लेते हैं कि दोस्तों इसी सैलरी वगैरह क्या रहती है। सैलरी वगैरह की बात करें तो दोस्तों भारत सरकार है उसके द्वारा जो है आईआरएस जो पोस्ट होती है उसके लिए वेतन ग्रेड तय किया हुआ है कि जिसमें नए संशोधन के साथ 7वां वेतन लागू किया जाता है। इनको लगभग 90,000 प्रति महीने के हिसाब से मिल जाते हैं या फिर इससे अधिक भी आपको मिल जाती है। इसके अलावा भत्ते वगैरह होते हैं उनका भी मिल जाता है, वो भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से क्या है कि सैलरी वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है।
तो इस तरह से अगर आप थोड़ी सी अपनी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा आप कोचिंग वगैरह ज्वाइन करके आप इसकी तैयारी करते हैं ना, तो आपको जरूर ये जो है टेस्ट वगैरह आप जरूर पास कर लेंगे और आप जरूर IRS ऑफिसर बनकर अपना जो करियर है बेहतर और अपना करियर जो है संवार सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करना ना बोलें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।